वहीं जिले की यातायात पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने लगातार कार्य कर रही है। पुलिस अधीक्षक स्वयं मॉनिटरिंग कर लोगों को यातायात के नियमों को पालन करने समझाइश दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा पॉलिथीन मुक्त हेलमेट युक्त अभियान की शुरुआत की गई है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने यातायात व्यवस्था, अपराधियों की धरपकड़, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप पर कार्यवाही सहित अन्य मुद्दों को लेकर ग्रैंड एशिया न्यूज से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। दुर्ग जिला पुलिस द्वारा पूरे जिले भर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। उसमें जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा स्वयं मौजूद रहकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति समझाइश दी जाती। लगातार ये अभियान ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी इसमें रहते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उनके द्वारा कार्य किया जाता है। दुर्घटनाओं को रोकने इसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य है। यह किस तरह का अभियान है, कब तक जारी रहेगा और इससे लोगों में कितनी जागरूकता आ रही है, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसपी सर डॉक्टर अभिषेक पल्लव। सर, किस तरह का अभियान है सर और इससे लोगों को सर कितनी जागरूकता देखने को मिल रही है? लगातार 2022 के काफ़ी मात्रा में एक्सीडेंट हुए, जिसमें कि 300 से ज़्यादा लोगों की जाने गई। उसके बाद कलेक्टर महोदय द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पुलिस द्वारा यह डिसाइड किया गया कि जो भी हेलमेट नहीं लगाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, एक बाइक में 3 लोग बैठेंगे, नाबालिग गाड़ी चलाएंगे और ड्रंकन ड्राइविंग पे पुलिस जो है अभियान छेड़ के कार्रवाई करेगी। पहले हमने चलानी कार्रवाई शुरू किया, इससे काफ़ी जो गरीब लोग थे उनको 500 रुपये चलान बिना हेलमेट के देने में उनकी काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी और थोड़ा सा निराशा भी आ रही थी। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी ये बात सामने आई कि हमें अवेयरनेस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, इसीलिए हमने थोड़ा ट्विक करके एक नया कैंपेन लॉन्च किया, प्लास्टिक मुक्त और हेलमेट युक्त दुर्ग भिलाई का। इसमें हम लोग चौक चौराहे पर चेकिंग करते हैं, जो भी लोग हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाते उनको हम ये तो ऑप्शन देते हैं कि या तो वो चलान बटाए या फिर आसपास में जो कूड़ा करकट प्लास्टिक फेंका हुआ है उसको जमा करके कचरे के डब्बे में डालें। कल जब हमने भिलाई में ये कैंपेन लॉन्च किया तो करीब 750 लोगों ने भागीदारी करके उस आसपास के इलाके की सफाई की। सफाई करने वाले लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया और इससे आसपास का करीब 250 मीटर पूरी तरह से साफ हो गया और एक ट्रैक्टर प्लास्टिक जो है वो जमा हुआ। तो कहीं ना कहीं इसको अगले 1 साल तक चलाया जाएगा, जिससे कि पूरा दुर्ग भिलाई स्वच्छ भी हो जाएगा और जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी लोग जो है यातायात नियमों का पालन करेंगे और इससे दुर्घटनाएं कम होंगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे और लोगों के घायल होने वाले और मरने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से कम होगी। सर, चूँकि अभियान तो निसंदेह सराहनीय है, लेकिन सर देखा जाता है कि सर स्कूली छात्र छात्रा जो है वो यातायात के नियमों को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं, तो सर ऐसा कुछ भविष्य में ऐसे कुछ योजना है क्या कि जिसमें स्कूल संचालकों को जो समझाइश दी जाए? मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक स्पेशल ट्रैफिक का अभियान पिछले 4 दिनों से चलाया जा रहा है। जो भी नाबालिग आते हैं उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, समझाइश दी जाती है। जो अभिभावक भी बच्चों को बिना हेलमेट के स्कूल छोड़ने आते हैं उनको भी समझाइश दी जाती है। सारे प्रिंसिपल्स के साथ मिलकर उनको नोटिस तामील कराया गया है, यदि किसी एक्सीडेंट में बच्चे की जान जाती है और वो तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। सारे RWA, सारे स्कूल, सारे होटल, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सारे व्यावसायिक इंस्टीट्यूशन, PSUs, इंडस्ट्री, सभी को नोटिस तामील कराया गया है कि वो अपने कर्मचारियों को ट्रैफिक नियमों के बारे में अवेयरनेस करें और ये सुनिश्चित करें कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं। चूँकि सर अभी 4 लेन में सर ओवरब्रिज का काम निर्माणाधीन है सर, क्योंकि इस व्यवस्था से सर यातायात व्यवस्था वहाँ भी काफ़ी चरमराई, हालांकि बीच में पुलिस द्वारा जरूर प्रयास किया जाता है ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन सर जो गड्ढों की स्थिति बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो चुकी है, जिससे आवाजाही करते लोगों को विशेष रूप से सर दोपहिया चालकों को बहुत परेशान होना पड़ता है और उससे सर दुर्घटना का अंदेशा भी हर वक्त बना रहता है सर। निश्चित रूप से सभी जो 4 लेन है उसकी जो साइड रास्ता है उसमें काफ़ी गड्ढों की बात सामने आई है। PWD के साथ भी समन्वय किया जा रहा है, प्रशासन के साथ समन्वय किया जा रहा है, गड्ढों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। ठेकेदार को भी जो है वो निर्देशित किया गया है कि साइड रास्ते को तैयार पूरी तरह से सही करें। तब तक हम जो लोगों हैं उनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि थोड़ा स्पीड कम रखें और पी के गाड़ी ना चलाएं, जिससे कि दुर्घटना को रोका जा सके। सर, चूँकि अभी कुछ दिन पूर्व सर यातायात सर आपके नेतृत्व में सर एक अभियान की शुरुआत की गई थी सर रात्रि गश्त को लेकर, जिसका
बहुत अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला था। ज़्यादातर जो असामाजिक तत्व हैं सर, या तो वह भूमिगत हो गए या तो शहर छोड़ दिए। तो सर यह इस अभियान को निरंतर जारी रखे जाने की किस तरह की सर योजना है अभी? जितने पार्क गार्डन वहाँ पे रात में असामाजिक तत्व बैठ के शराब पीना, गांजा का सेवन करना, उसके बाद चाकूबाजी करना, महिलाओं का छेड़छाड़ करना, कि लगातार शिकायतें आ रही थी। हमने हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है, जो भी जहाँ भी शिकायत आती है वहाँ पर रात में जो है कार्रवाई की जाती है, समझाइश दी जाती है। जो भी लोग अब आगे पाए जाएंगे उनके खिलाफ CRPC की प्रिवेंटिव धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान सतत चलता रहेगा। चूँकि सर अब दूसरे मुद्दे पर आए तो सर, अभी चूँकि पूरे प्रदेश में देखा जाए तो सर दुर्ग जिला पुलिस ही महादेव ऑनलाइन सट्टा पर लगातार सर कार्रवाई की जा रही है। आए दिन इस कार्य में अवैध गतिविधि में संलग्न लोगों की धरपकड़ की जा रही है। तो सर क्या लगता है इसके पूरा जो इसका जो मेन सूत्रधार जो भारत छोड़कर के विदेशों में बैठे उन तक पहुंचने के पुलिस की किस तरह की कार्य योजना है, और जो संलिप्त है सर उन्हें दबोचने की किस तरह की कार्य योजना है सर? दुर्ग पुलिस एक योजना के तहत जो है सुनियोजित तरीके से महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग को पूरी तरह से रोकना है। दुर्ग पुलिस जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। जो उनके पैनल ब्रांचेस थे देश भर में, उसमें हमने 15 ब्रांच को नस्ताबूत कर दिया है। अभी भी काफ़ी ब्रांचेस चल रहे हैं, उनकी सूचना आ रही है। जो भी पैनल चलाने वाले हैं वो फर्जी अकाउंट खुलवा के कार्य करते तो उनके खिलाफ 420 IPC के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो 15-20 हज़ार की नौकरी के लालच में वहाँ जाके उनके लिए काम कर रहे हैं, उन युवकों से मैं अपील करूँगा कि वो छोड़ के वापस आ जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ भी गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जो भी लोग छोड़ के आएंगे और वो आके पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखा देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। हमारे पिछले 6 महीने में दुर्ग भिलाई के अंदर गैम्बलिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग में बहुत कमी आई है, और हमें पूरा भरोसा है कि अगले 4 से 5 महीनों में महादेव ऐप को पूरी तरह से बंद करवा दिया जाएगा। सर चूँकि अभी कुछ दिन महीनों पूर्व तक सर देखा जा रहा था कि सभी थानों के पुलिस द्वारा किराएदारों की सर सूची बनाई जाती थी और बकायदा उसकी पूरी जांच की जाती थी सर, लेकिन अभी ये अभियान कुछ बंद पड़ सर नज़र आता है सर। अभी उसके लिए एक परफॉर्मा तैयार किया गया है, एक ऑनलाइन जो है ऐप टाइप का लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि जो किराएदार है वो खुद ही उस पर फॉर्म को गूगल स्प्रेडशीट में भर देगा और वो खुद ही सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देगा, क्योंकि ऑनलाइन सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट लीक ना हो उनकी प्राइवेसी के लिए एक ऐप तैयार कराया जा रहा है, और पूरे जिले भर में सबको जो है इस ऐप के माध्यम से सभी लोगों का चेकिंग करवाया जाएगा। सर अंतिम सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में सर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अभी किस तरह से सर अभियान चलाया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है, वहाँ पर पुलिसकर्मियों की संख्या भी कम है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण में इलाकों में भी पुलिस के लिए पुलिसिंग एक चैलेंज है। आने वाले समय में वहाँ पर भी जो है जन शिविर लगाए जाएंगे, लोगों की सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी और जो भी लोगों की शिकायतें होंगी उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये थे हमारे साथ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जिनके द्वारा हमें विस्तार से जानकारी दी गई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पुलिस द्वारा किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थित रह करके भी लोगों को समझाइश दी जा रही है और तमाम तरह की जागरूकता को लेकर के यातायात पुलिस द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग लगातार SP महोदय द्वारा की जा रही है। लोगों को भी दुर्घटनाओं से बचने इस पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में साथ जुड़ने की जरूरत है, जिससे स्वयं सुरक्षित रह करके वो दूसरों को सुरक्षित रख सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।